साहब, आपका ये जो 3D हेल्थ केयर आपने जो रिसर्च किया था, जिसमें आपने 18 साल अपने जीवन के दिए हैं, जिसका पब्लिश भी हुआ था, जिसका ओपन हार्ट ट्रायल करके, तो वो पूरा जो रिसर्च था वो क्या था, हम आपसे जानना चाहेंगे। वो जो हमारे पास रहे उसका क्या इफेक्ट उनके पास, उनको बताया गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी दोबारा किए गए। अब आपकी कैसे जल्दी कितनी है, चिंता कितना, गुस्सा कितना, उदासी कितनी है, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आ गया, ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग कैसे महसूस कर रहे हैं आप, और फिर उनका लास्ट इनको वापस रीअसेस करके, तो इनके थ्रू टेस्ट्स भी कराए गए और उनके पर्सनल ओपिनियंस भी लिए गए। यस सर, 6 जगह उनकी काउंसलिंग हुई, क्लिनिकल काउंसलिंग एक जगह हुई, फिर उनके बाद उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हुई, फिर एक राजयोगा की, और राजयोगा मेडिटेशन की गहराई से काउंसलिंग हुई, फिर वो एक दिल वाले जो पुराने थे उनके साथ बैठे, उनके साथ काउंसलिंग हुई, फिर लाइफ स्टाइल काउंसलिंग, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट्स, नहीं समझ आए तो उनको एक स्पेशल उनको काउंसलर बैठे हैं वो बताएंगे, फिर लास्ट में मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको पूरा टोटल ओवरऑल असेस करके फिर आई राइट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन। तो 6 जगह काउंसलिंग होती थी। ओके, तो इस तरह से उनका डिटेल में सारा समझाया जाता है, और उससे फिर उनका फिर उनको घर पे जाते हैं, उनका प्रोग्राम अटेंडेंस चार्ट होता है डेली बेसिस पे, उसको वो चेक करेंगे, स्कोरिंग होती है, और एक महीने पर फिर हमको भेजेंगे, और एक महीने में फिर हम उनके पास जाएंगे। अच्छा, फिर हम लोग उनके पास जाएंगे। मैं विजिट करता था, एक दिन एक संडे को दिल्ली, एक संडे को अहमदाबाद, एक संडे को मुंबई। आई गो एंड पर्सनली मीट देम, ऐसे दोनों ग्रुप से मिलता था। तो डॉक्टर साहब, आपने जो उनको टेस्ट किया, फर्स्ट डे किया था, तो फिर 7 डेज के बाद फिर उनकी टेस्ट हुई थी क्या पूरी के, किस तरह से वो उनका, ताकि जो ट्रेनिंग दी गई और उनको नया एनवायरमेंट मिला, जो पूरी राजयोगा मेडिटेशन सिखाया गया, डाइट उनको नई तरह की दी गई, एक्सरसाइज की गई, प्रॉपर टाइम पे सोना सिखाया गया, प्रॉपर टाइम पे उठाना सिखाया गया, और एडिक्शन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मोबाइल फ्री लाइफ जो उनको दी गई, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसके लिए हमको हमने क्या किया कि लास्ट दिन 7वें दिन हमने फिर दोबारा रीअसेस किया उनका, ईईजी दोबारा से किया जी। तो देखा कि पहले दिन बीटा रिदम थी, तो आज क्या है, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बीटा रिदम से अल्फा में आए, थीटा में आए, डेल्टा में कितना परसेंट चेंज हुआ, वो हमने बकायदा उसको डिजिटलाइज सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम्स थे ना, तो वी कुड असेस कितना परिवर्तन हुआ। फिर ई हमने हार्ट अटैक वेरिएबिलिटी भी देखी दोबारा 7वें दिन, कितना उसमें कितना परिवर्तन हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी पहले बहुत ज्यादा थी, पहले दिन पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी, रिलैक्सेशन सिस्टम बहुत पुअर था, वो फंक्शन नहीं कर रहा था, क्या 7वें दिन उसमें फर्क पड़ा, उसकी जो अलार्म सिस्टम था, हाइपर रिएक्शन का सिस्टम था, वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, और जो उसका रिलैक्सेशन सिस्टम बेटर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका मेजर कर सकते हैं, तो हमने उसको टेस्ट करके देखा। फिर हार्मोन्स का भी हमने लिया 7वें दिन, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके उसमें भी देखा, और साथ साथ हमने उसका जो ब्लड सैंपल लिया उसमें भी हमने स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनल लेवल्स, नॉरएड्रेनल लेवल्स, डोपामिन लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स, सुबह 8 बजे का सैंपल और 4 बजे का सैंपल, और फिर हमने उसके जो जो दूसरे हार्मोन्स थे, जो इंसुलिन हार्मोन्स, जो फास्टिंग सैंपल लिया, ब्लड शुगर लेवल्स दोबारा देखे, उनका शुगर कंट्रोल कैसा है, पहले से बेटर, 7 दिन पहले क्या था और अब 7वें दिन कुछ बेटर हुआ, इंसुलिन लेवल्स कुछ कम या ज़्यादा हुए, क्या हुआ रिजल्ट, तो वो देखा गया। फिर इसी तरह से उनका जो है हमने वो भी देखा, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स लेवल्स, सीरोटोनिन लेवल्स, मेलेटोनिन लेवल, नींद की भी हार्मोन्स हमने चेक किए कि उसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो हमने 7वें दिन टेस्ट करके देखा। इस तरह से हमने पूरा उनका असेस कर लिया, और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी दोबारा किया जी, जल्दीबाजी में परिवर्तन हुआ, चिंता में, गुस्से में, कुछ उनका ओवरऑल फीलिंग ऑफ अभी कैसी है, 7वें दिन कैसे थी, अभी कैसी वेलबींग कैसी, अब लाइफस्टाइल में वो रियली परिवर्तन हो कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कन्विंस हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोग करते हैं कहने से, तो अंदर से कन्विंस नहीं होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्स है उस क्वेश्चन, उसको फिर असेस कर लिया, उनको फिर बताया भी कि 7 दिन में आपका इतना परिवर्तन हुआ, साइकोलॉजिकल में इतना परिवर्तन हुआ, आपका इसमें ये परिवर्तन हुआ, इसका ऐसा परिवर्तन हुआ, इसका। तो इस तरह से उनको जो है ये सब बातें बताई गई, और उनकी काउंसलिंग 6 जगह काउंसलिंग की गई, तो उसमें उनका जो है ओवरऑल क्लिनिकल काउंसलिंग की गई, ताकि अगर ग्रुप में ना भी समझ आया हो तो इंडिविजुअली समझ आया कि नहीं आया, आर्टरीज क्या होती हैं, कैसे ब्लॉक होते हैं, ब्लड प्रेशर आपको है, कितना आपको कवर करना है, कितना कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कितना कितना फ़ायदा हुआ और आगे क्या करना है, तो क्लिनिकल काउंसलिंग हुई, फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आपके ये पैरामीटर्स ये गड़बड़ है, इतने गड़बड़ हुए, 7 दिन में इतना बेटर हुआ, आगे क्या करना, कैसे करना, फिर उनकी राजयोगा काउंसलिंग हुई कि मेडिटेशन आप सीखे नहीं सीखे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उसके बकायदा एक व्यक्ति से, हस्बैंड वाइफ जाएंगे सर, एक एक पेशेंट ही जाएगा उनके पास, इंडिविजुअल काउंसलिंग का मतलब ये है कि एक एक आदमी जाएगा,
हस्बैंड वाइफ, तो उनको बकायदा उनकी फाइल के साथ उनको असेस करके बताया जाए। प्रैक्टिकल दिल वाला काउंसलिंग कहते हैं हम लोग, जब पुराने दिल वाले अनुभवी लोग बैठे हैं वो उनके पास जाएंगे, फिर उनका लाइफ स्टाइल काउंसलिंग होगी, उनको स्ट्रेस उनके उनके लाइफ की पर्सनल स्ट्रेस हो सकती है, कोई उनके आपस में पति पत्नी की नहीं बनती है तो उसकी काउंसलिंग की जाए, आपको घर में बच्चों से नहीं बनती है, पति सास ससुर से प्रॉब्लम है या ऑफिस में बॉस से प्रॉब्लम है तो उसके कैसे उसको मैनेज करना।